खबरें विस्तार से। रविवार का दिन योग का रहा। विश्व योग दिवस के मौके पर हर स्कूल, हर चौराहे व मैदानों में हजारों की तादाद में लोगों ने योग किया। विश्व योग दिवस के मौके पर गोपाल मैदान में वृहत पैमाने पर योग किया गया। जिला प्रशासन की तैयारियों के मद्देनजर सरकारी मुलाजिम, कॉर्पोरेट घरानों, स्कूली बच्चों, स्काउट कैडेट सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने योग के आसन कर सभी को स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। मंत्री सरयू राय, सांसद विद्युत वरण महतो समेत भाजपा के लगभग सभी नेता व कार्यकर्ता यहां मौजूद थे। बिल्कुल शुद्ध है, फिर पूरा अंदर आना चाहिए, बिल्कुल सहज बैठेंगे, आपके जो बैकबोन है उस पे एक कड़ापन है, पूरा शरीर ढीला है, हाथ भी आप इस तरह से नहीं रखेंगे, तमाम लोग जो बैठे हैं हाथ बिल्कुल रिलैक्स मूड में होगा, इस तरह से प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। मैं हमारे माननीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में उपस्थित झारखंड सरकार के मंत्री परमादरणीय बड़े भास्कर जुराय जी, ग्रामीण एस पी साहब, उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, जो उपस्थित सभी सम्मान्य शहरवासी एवं हमारे अभिभावकगण, सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज सभी को पता है कि मेरा देश जो है ऋषि मुनियों का देश रहा, और पतंजलि के जो पद्धति है उन्हीं के अनुसार ऋषि मुनि ने इतने वर्षों तक बिना दावा से योग के माध्यम से निरोग रहे हैं, स्थित होगी, और योग के माध्यम से योग के जो अनेकों प्रकार हैं, और आज भी लोग कहते हैं कि योग कोई ठहरा हुआ ज्ञान या विज्ञान नहीं है, से जुड़ा हुआ है कि हम अगर योग करते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति जो नियमित योग नहीं करता है, कभी शरीर पहले से अधिक स्वस्थ प्रतीत होता है, पहले से अधिक क्रियाशील प्रतीत होता है, तो जो नियमित रूप से इसको करेंगे उनके जीवन में है कि योग का जो है महात्म है, इसके बारे में अनुसंधान लगातार चलते रहा है, और अनेकों ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने कुछ न कुछ बाएं हाथ ऊपर देखेंगे, ऊपर उंगलियों को फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड, पांच पांच बार करेंगे। इसके अलावा विश्वजीत मनी मेला, फार्म एरिया बॉल्डविल स्कूल, शास्त्री नगर विद्या मंदिर और केरला समाज स्कूल के बच्चों के साथ साथ शिक्षकों ने भी योग किया। आज इंटरनेशनल योगा दिवस सेलिब्रेट हुआ है हम लोग स्कूल में, इन आवर स्कूल वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे, एंड फॉर दैट वी हैव असेंबल्ड हियर फ्रॉम 6:30 एंड वी आर प्रैक्टिसिंग योगा हियर। कोमलता से बंद करते हुए आंखें कोमलता से बंद रखें, बैठे रहेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ओम का उच्चारण। आज हमने बच्चों को और शिक्षकों को यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि हम उन्हें इंटरनेशनल योगा डे, जो आज 137 राष्ट्रों में आयोजित किया जा रहा है, वो हम भी उसमें शामिल हों और हमारा भी कोई योगदान रहे। और योगा बच्चों को हमारे स्कूल में हफ्ते में 2 बार कराया जाता है, और शिक्षकों के लिए भी आयोजन होता है योगा कैंप का, जब उनकी थोड़ा सा परीक्षा ख़त्म हो जाती है बच्चों की तब। और योग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे रोग हैं जो हमारे अंदर के कारणों से, मतलब हमारे टेंशन की वजह से योग। कदमा एसीसी फ्लैट के लोग चोरी की घटनाओं से परेशान हैं और पुलिस मानो अपने ही धुन में मगन है। कुछ ही दिनों के अंतराल में कदमा एसीसी फ्लैट के लगभग 1 दर्जन घरों में चोरों ने चोरी कर गृह भेदन की घटना को अंजाम दिया।
पर उनमें से एक भी घटना का पुलिस ने उद्भेदन नहीं किया। रविवार को इसी से फ्लैट के लोगों ने कदमा थाना पहुंचकर काफी हंगामा मचाया। काफी सूचना हर जिसके जिसके घर में चोरी हुई, करीब 10 से 12 घर में चोरी हुआ और सभी लोगों ने कदमा थाना में लिखित ज्ञापन दिया जिसकी रिसीविंग कॉपी हमारे पास है। ऐसे हमारे 10 निलंबित पेपर हमारे पास पड़ा हुआ है जिसमें कि पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वैसे चोर जो गिरोह के चोर है, जो इस तरह का चोरी करते हैं, प्रशासन हाथ पर हाथ धके बैठी है। वैसे गिरोह को पर्दाफाश करे, पकड़े, पकड़ के जनता के सामने लाए, जो लोगों की चोरी हुई है उनकी सारी संपत्ति को पुनः वापस दिलाए। अगर ऐसा प्रशासन नहीं करती है तो ऐसे थाने में ऐसे अधिकारी को रहने का अधिकार नहीं है जो जनता की सुरक्षा न दे सके। जनता चमन नींद न सो सके, अमन नींद न सो पाए, ऐसे प्रशासन को रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10-12 चोरियां हो चुकी और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धर बैठी हुई है। आज तक एक भी चोरों का गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर डीएसपी का कहना है कि पुलिस की एक टीम का गठन किया गया है और बहुत जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में एक टीम गठित करने वाले हैं, लेकिन मेरी उनसे भी ये अपील है कि उनके फ्लैट का जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है उसमें जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे गार्ड हो, चाहे आने जाने वाले लोग हों, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, उनका प्रॉपर कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराएं या नौकरानी हो, तो इससे प्रिवेंटिव मेजर ये है हमारा। और दूसरे स्तर पे हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन सा गिरोह इसमें सक्रिय है, तो उस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करने के लिए हम लोग एक टीम गठित कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इसका परिणाम आपके सामने। चकदरपुर के व्यवसायी कुमारेश सरकार के साथ स्टेशन के पास हुई लूट की घटना फर्जी है। उक्त बात का खुलासा खुद सिटी एसपी चंदन झा ने किया है। मालूम हो कि चकदरपुर के व्यवसायी कुमारेश सरकार के दो अज्ञात युवकों द्वारा पिस्तौल के नोक पर 3 लाख रुपए लूट की सूचना पुलिस को दी थी। हम महाजन को पैसा पेमेंट करने आए। कौन महाजन? ये आपका दीपक मंडली जी और स्वदर्शन एंटरप्राइजेस में सरकार। दीपक मंडली, दीपक पांडे जी। कहाँ पर रहता? वो यूनिनार वाले है। यूनिनार कहाँ? कहाँ कंपनी वाले लोग हैं। कंपनी वाले टीएसी है वो। आपको मालूम नहीं हो 3 लाख रुपए लेके आ गए हैं? नहीं नहीं, होगा ना उनका? नहीं नहीं, हम लोग का वो माल देते हैं, माल खरीदते हैं। आप क्या जी बिजनेस करते हैं? हम कूपन का सेल का बिजनेस करते हैं, होलसेलिंग करते हैं। मोबाइल क्या नाम क्या है? मेरा नाम कुमार सरकार। सिटी एसपी ने बताया कि जांच के क्रम में घटना फर्जी निकली और कहानी मनगढ़ंत। कल रात की घटना है, हम लोग को ऐसी खबर मिली कि एक आदमी ये शिकायत कर रहा है कि सर हम रेलवे स्टेशन से उतरे, हमारे पॉकेट में 3 लाख के आसपास रुपए थे, किसी ऑटो वाले ने हमें बैठाया, दो आदमी ने हमें गन पॉइंट पे कहीं कहीं घुमाया टाउन में और अंत में हमसे वो पैसे लूट लिए। लेकिन जैसे उसके बातों से लग रहा था, हम लोग को उसी समय डाउट हुआ कि थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, कुछ इसमें संदेहास्पद है। तो फिर हमारे डीएसपी सिटी जो है उनके नेतृत्व में हमने टीम बनाई कि पूरे इसमें सर्च करें। फिर अलग अलग जगह हम लोग उनको ले गए जहाँ वो कंप्लेन कर रहे थे। बाद में उन्हें पूछताछ में बताया कि ये पूरी तरह मनगढ़ंत कहानी थी, ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। जैसा उसका बोलना है, अब उसके पास 3 लाख रुपए थे, उसका किसी दूसरे आदमी से पैसे का अपना लेन देन था, उसको कुछ सामान पहुंचाना था जो ये नहीं पहुंचाया, इसके लिए वो अपना 3 लाख उससे ले लिया। इसके नॉलेज में कहीं कोई घटना नहीं लूट की थी, वो दोनों का आपसी बाब उसमें भी हम लोग जो बोल रहा है कि ले लिया उसको भी बुलाएंगे कि क्या कारण है, दोनों में क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसी लूट की कोई घटना नहीं हुई थी। दूसरी ओर टेलको क्षेत्र में एक लावारिस बाइक और राइफल मिलने की घटना पर सिटी एसपी ने बताया कि एक सुरक्षा कर्मी की है जो अचानक तबियत बिगड़ने से राइफल और बाइक छोड़कर अस्पताल चला गया था। टेलको में जो 2 दिन पहले एक एबंडेंड आर्म्स मिला था गाड़ी के साथ, उसमें वेरीफाई कर लिया गया है। एक प्राइवेट कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है वो, और वो आर्म्स लेके जा रहा था बट उसकी तबियत अचानक खराब हो गई जैसा उसने बताया, तो उसी हालत में उस आर्म्स को छोड़ के वो चला गया वहां से। बाद में वेरीफाई हुआ, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, देखेंगे क्या इसमें कार्रवाई की जा सकती है।